hello student welcome back to my channel today's class we are going to discuss ic555 as a monostable multivibrator this monostable multivibrator is also called as a one-shot multivibrator or a monoshot multivibrator as the monostable multivibrator having one stable state and another one is a quasi-stable state the quasi-stable state is called as an unstable state सो यू कैन से दैट द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है अनस्टेबल स्टेट सो कभी भी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में जाना रहा तो यू हैव टू अप्लाई वन एक्सटर्नल इनपुट टू द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दैट मीन्स You have to apply one external shot to the monostable multivibrator. Therefore, this monostable multivibrator is called as a one-shot multivibrator. So, today's class we are going to analyze the monostable multivibrator using IC 555. So, its construction first of all, we discuss karte hai. here. This one is the internal structure of the IC 555.

आर कनेक्टेड विथ ईच अदर मतलब पिन नंबर सिक्स और पिन नंबर सेवन को एक दूसरे के साथ आप लोगों ने शॉर्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है द वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर इन दिस केस वीग आर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और यू कैन सेपैसिटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिन एंड द निगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पिन दैट इज ग्राउंड क्शन आप लोगों को मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के टाइम पे आईसी ट्रिपल फाइव का करना है होप्साइज आर क्लियर विद कंस्ट्रक्शन नाउ लेट्स कम टू दर्किंग ऑफ द आईसी ट्रिपल फाइव एज अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इनिशियली आई कंसिडर दउटपुट ऑफ दर एस फ्लिपलॉप क्यू इज इक्वल टू जीरो बट आई सी ट्रिपल फाइव का आउटपुट हम लोग कॉम्पलीमेंट साइड से लेते हैं दैट इज द आउटपुट ऑफ द आई सी ट्रिपल फाइव इज टेकन आउट फ्रॉम द क्यू कॉम्प्लीमेंट तो इनिशियली मैंने क्यू इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा तो so वन हो जाएगा सो यूअर आउटपुट वोल्टेज इज वन तो इनिशियली आप क्या कंसिडर करोगे कि आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आया है बच्चों तो so वन आया है सो so यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्यू इज इक्वल टू जीरो वी कंसिडर तो आउटपुट क्या आ गया इनिशियली मेरा तो आउटपुट इज कम आउट टू बी वन टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा इनपुट आ रहा है तो वी आर फिडिंग जीरो इनपुट टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर जैसे ही जीरो इनपुट ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर जाता है ट्रांजिस्टर गोल्स इन टू द कट ऑफ स्टेट ओके और यू कैन से दैट ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्विच के जैसे बिहेव करता है सो ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक ऑफ स्विच एज अ ट्रांजिस्टर इज बिहेव लाइक अ ऑफ स्विच ऑफ स्विच और यू कैन से दैट ओपन स्विच ओपन स्विच के जैसे ट्रांजिस्टर बिहेव कर रहा है तो यहां पे वो क्या हो जाएगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा दैट मीन्स यू आर आर एंड सी डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट हो गए हैं अभी तो वी सी सी के साथ कनेक्ट हो गए हैं सो हियर द कैपेसिटर गोइंग टू बी चार्ज थ्रू द वी सी सी तो आप लोगों का कैपेसिटर उस टाइम पे खुद को क्या करेगा तो खुद को चार्ज करना शुरू कर देगा जब आप लोगों का ये पाथ क्या हो गया है डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि ट्रांजिस्टर कौन से स्टेट में है तो ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है जब क्यू की, की वैल्यू क्या तो है तो जीरो है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में जा रहा है कट ऑफ में जाने की वजह से दिस ट्रांजिस्टर इज बिहेव लाइक अ ओपन स्विच ऑफ स्विच बिकॉज ऑफ दिस द कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द रजिस्टर टू दी सीसी तो आप लोगों का कैपेसिटर क्या करेगा इस बात से तो खुद को चार्ज करेगा तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि कैपेसिटर खुद को क्या करेगा तो चार्ज करेगा ओके okay. किसके थ्रू चार्ज करेगा तो थ्रू वीसीसी एंड द रेजिस्टेंस आर क्लियर बच्चों जब कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा सो डेफिनेटली देयर इज अंक्रीज इन द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर so what you observe here the one end of the capacitor is connected to the sixth pin and this sixth pin is a threshold pin and this is connected to the non inverting terminal of the comparator तो जो भी चेंजेस आप लोगों तो का एज द कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्जेस तो कैपेसिटर का वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है सो यू कैन से दैट जो थ्रेशोल्ड पिन का वोल्टेज है वो भी कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा बच्चों तो चेंज होगा ओके कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से तो थ्रेशोल्ड का भी वोल्टेज इंक्रीज होगा क्लियर सिमिलरली ऑब्जर्व हियर द फिफ्थ पिन दिस फिफ्थ पिन इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क एंड विक आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल वोल्टेज टू दिस फिप्थ पिन दैट इज कंट्रोल वोल्टेज तो जो भी वोल्टेज आप लोगों का यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में से तो so, कितना वोल्टेज आता है तो देर इज अ वन स्टैंडर्ड वोल्टेज वो आता है टू वी सी सी बाई थ्री एज यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो लेक्चर सिमिलरली द वोल्टेज एट दिसंट इज कम आउट टू बी वी सी सी बाई थ्री ये भी कहाँ से आया तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से आया तो हम लोगों का कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो जब तक आप लोगों का चार्जिंग वोल्टेज ट्वाइस वी सी सी बाई थ्री से कम था तो इट विल नॉट चेंज इट स्टेट ट्वाइस वी सी सी से वोल्टेज जब तक कम था मतलब कौन ज्यादा था आप लोगों का इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा था जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा रहता है तो आउटपुट आप लोगों का क्या था कंपेरेटर का ज़ीरो ज़ीरो था फिर से नोटिस करो कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। जब तक आप लोगों का कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज ट्वाइस वी सी सी बाई थ्री से कम रहेगा तो कौन ज़्यादा रहेगा ट्वाइस बी सी बाई थ्री ये ज़्यादा रहेगा मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा रहता है तो कंपेरेटर प्रोवाइड अस अ ज़ीरो आउटपुट जब दोनों भी ज़ीरो जीरो रहेंगे सो एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों भी इनपुट ज़ीरो ज़ीरो रहते हैं तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आता तो आउटपुट जो था वही रहेगा बट जैसे ही आप लोगों का थ्रेशोल्ड इनपुट दैट मीन्स द कैपेसिटर इनपुट इज इंक्रीज टू टू बाई थ्री वी सी सी जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज कितना इंक्रीज होगा टू बाई थ्री वी सी सी से भी इंक्रीज होगा तो अभी वोल्टेज कितना इंक्रीज हुआ है कैपेसिटर का टू बाय थ्री वी सी सी से और वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपर कंपैरेटर के तो अभी यहाँ का वोल्टेज क्या है ग्रेटर देन टू बाई थ्री वी सी सी यहाँ का वोल्टेज कितना है तो टू बाय थ्री वी सी सी कौन सा ज़्यादा है तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इंक्रीज हुआ सो यू विल गेट द आउटपुट ऑफ कंपेरेटर एज अ वन तो अपर कंपेरेटर ने तभी के तभी अपना आउटपुट को क्या चेंज किया तो वन चेंज किया अभी एस इज इक्वल टू क्या आ गया वन आर इज इक्वल टू क्या हो गया है तो जीरो है जैसे ही एस इज इक्वल टू वन आता है तो आर एस फ्लिप फ्लॉप खुद को सेट करता है सेट करता है मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया है अभी वन हो गया है ओके क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इज कम आउट टू बी जीरो तो क्यू कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आ गया है जीरो आ गया है तो अभी एस आर फ्लिपलॉप ने अपने आउटपुट को चेंज किया कब चेंज किया जैसे ही आप लोगों का कैपेसिटर का वोल्टेज यू कैन से दैट कैपेसिटर का वोल्टेज ग्रेटर देन टू वी सी सी बाई थ्री होता है वैसे ही अपर कंपेरेटर ने अपनी स्टेट को जीरो से वन पे चेंज किया बिकॉज ऑफ दिस एस इज कम आउट टू बी वन जब आप लोगों का एस इज इक्वल टू वन आता है आर इज इक्वल टू जीरो आता है तो फ्लिप फ्लॉप ने खुद को सेट किया मतलब वो ज़ीरो से कहाँ पे चला गया तो वन पे चला गया सो एस क्यू इज इक्वल टू वन आ गया तो क्यू कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे चला गया जीरो पे चला गया मतलब आउटपुट वोल्टेज वन से कहाँ पे चला गया बच्चों तो जीरो पे चला गया तो यहाँ पे देखो जब वो वन पे था जब आउटपुट वन पे था तो कैपेसिटर क्या हो रहा था तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था कहाँ तक चार्ज हो रहा था कैपेसिटर तो कैपेसिटर चार्जेस अप टू टू वी सी सी बाई थ्री तो कैपेसिटर टू बाई थ्री वी सी सी तक चार्ज हुआ जैसे ही कैपेसिटर टू बाई थ्री वी से ज्यादा चार्ज हुआ वैसे ही फ्लॉप ने खुद के स्टेट को चेंज कर दिया फ्लॉप ने खुद को सेट किया और आउटपुट पे आ गया जीरो पे आ गया तो अभी Q इज इक्वल टू वन है दैट मींस वी गई आर फीडिंग द इनपुट टू द ट्रांजिस्टर एज अ वन जैसे ही आप लोगों ने ट्रांजिस्टर को वन इनपुट अप्लाई किया है बच्चों तो ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा तो जैसे ही आप लोगों ने ट्रांजिस्टर को वन किया तो ट्रांजिस्टर खुद को क्या कर देगा तो ट्रांजिस्टर गोज इन टू द सेचुरेशन स्टेट मतलब खुद को वो टर्न ऑन करेगा इट बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच सो नाउ इट्स बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच एज दिस ट्रांजिस्टर इज बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच नाउ द कैपेसिटर डिस्चार्ज सडनली ओके okay, वो ग्रेजुअली डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसको कोई भी रेजिस्टिव पाथ नहीं मिल रहा है ग्रेजुअली डिस्चार्ज होने के लिए तो वो क्या हो गया टू बाई थ्री वी सी सी से डायरेक्ट कहाँ पे आ गया तो ज़ीरो पे वो आ गया सडनली उसने बहुत फास्टली उसने खुद को डिस्चार्ज किया तो बहुत फास्टली उसने डिस्चार्ज किया मतलब उसकी वैल्यू कहाँ पे आ गई तो उसकी वैल्यू आ गई अभी ज़ीरो पे यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया बच्चों अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट उसने डिस्चार्ज करके खुद को कहाँ पे लाया तो जीरो पोटेंशियल पे लाया अभी जीरो वोल्ट टू वी सी सी बाई थ्री विच वन इज ग्रेटर टू वी सी सी बाई थ्री इज ग्रेटर जब आप लोगों का इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहता है तो इट्स कम आउट टू बी योर आउटपुट ऑफ कंपेरेटर इज कम आउट टू बी जीरो नाउ बोथ आर जीरो जीरो र जीरो जीरो देर इज अंज इन दी आउटपुट आउटपुट एज इट इज रहेगा मतलब जो एस आर फ्लिप्लॉप है वो खुद को सेट ही रखेगा और जो आउटपुट रहेगा आप लोगों का आईसी ट्रिपल फाइव का वो जीरो में ही रहेगा अभी वो जीरो में ही रहेगा कंटिन्यूसली क्योंकि वो उसकी कौन सी स्टेट है तो स्टेबल स्टेट है तो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में लेके जाना है आपको आईसी ट्रिपल फाइव को इस केस में तो यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल हियर टू द सेकेंड पिन तो कैसा इनपुट आप लोगों को सेकेंड पिन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा दिस इनपुट शुड बी लेस देन वी सी सी थ्री जो ट्रिगर इनपुट है वो क्या रहना चाहिए लेस देन वी सी सी थ्री और आप लोग ट्रिगर पिन को मोमेंटरीली ग्राउंडेड कर सकते हो दैट मीन्स ज़ीरो इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो जैसे ही आप लोगों ने ट्रिगर पिन को लेस देन वी सी सी बाई थ्री वोल्टेज अप्लाई किया इट मीन्स द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर हो गया है तो आप लोगों का लोअर कंपेरेटर अपने आउटपुट को चेंज करेगा फ्रॉम जीरो टू वन नाउ, एस इज इक्वल टू क्या है तो ज़ीरो है एंड आर इज इक्वल टू क्या हो गया है तो वन हो गया है वेन एस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आर इज़ इक्वल टू वन तो क्यू इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों तो क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है एंड क्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है तो वन हो जाता है तो फिर से वो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा जब आप लोग क्या अप्लाई करोगे एक एक्सटर्नल ट्रीगर इनपुट अप्लाई करोगे एक्सटर्नल जो ट्रिगर इनपुट है वो कितना रहना चाहिए तो एक्सटर्नल ट्रिगर इनपुट शुड बी लेस देन वीसीसी बाई थ्री और यू कैन मोमेंटरीली ग्राउंड द ट्रिगर पिन देन ओनली आपका जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है वो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में जाएगा फिर से फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट स्टे इन द अनस्टेबल स्टेट अगेन कम बैक टू द स्टेबल स्टेट फिर से स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में जाना है तो आपको ट्रिगर प्रोवाइड करना पड़ेगा दिस इज सिंपल वर्किंग ऑफ आईसी ट्रिपल फाइव एज अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर Now, rather than drawing this internal diagram of monostable multivibrator, you can explain the same multivibrator using a circuit diagram. So, let's study about the circuit diagram. This is the circuit diagram of IC triple five as a monostable multivibrator. The fourth pin is connected to the 8th pin to avoid the inhibiting condition. तो हमारा जो IC ट्रिपल फाइव है वो गलती से भी रिसेट ना हो इसलिए हम लोग फोर्थ पिन और एट पिन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं एंड एट पिन इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई दैट इज वी सी सी इन मोनोस्टेबल स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सेवन पिन एंड सिक्स पिन आर शॉर्टेड विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इन बिटवीन द एट पिन एंड सेवन पिन बीगाइ आर कनेक्टिंग वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस

जो ट्रिगर सिग्नल कितना रहना चाहिए तो लेस देन वी सी सी बाई थ्री रहना चाहिए अदरवाइज आप लोग उसको ग्राउंडेड कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थर्ड पिन से हम लोग आउटपुट लेते हैं हियर द फिफ्थ पिन इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ वन कैपेसिटर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन देर इज अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज ऑन द फिफ्थ पिन दैट इज अ ट्वाइस वी सी सी बाई थ्री और यहाँ पे हमको कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज फिप पिन के ऊपर नहीं चाहिए है सो so, कोई भी अनवांटेड वोल्टेज इफ़ सपोज टू बी फिफ पिन के ऊपर इम्पैक्ट करता है तो जो 0.01 पॉइंट जीरो का जो कैपेसिटर है उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को अनवांटेड वोल्टेज को बाईपास करके ग्राउंड कर दे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है ऑफ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सो सिंपल कंस्ट्रक्शन है आप लोगों का मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए दैट यू रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्रा कंपोनेंट दैट इज आर एंड सी आर इज कनेक्टेड इन बिटवीन पिन नंबर सेवन एंड पिन नंबर एट पिन नंबर सेवन वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिन नंबर सेवन एंड अनदर टर्मिनल ऑफ कैपैसिटर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड पिन नंबर सेवन एंड पिन नंबर सिक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर पिन नंबर फोर एंड पिन नंबर एट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थर्ड पिन से हम लोग आउटपुट लेते हैं कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज का इफेक्ट ना हो आप लोगों की कंट्रोल वोल्टेज के ऊपर इसलिए हम लोगों ने एक 0.01 पॉइंट जीरो वन माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर यूज किया है जो अनवॉन्टेड वोल्टेज को बाईपास करके ग्राउंड कर दे देर इज अ वन चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दिस चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सो द पल्स वेट इन केस ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज कम आउट टू बी विच इज डिनोटेड बाई डब्लू इज इक्वल टू वन पॉइंट वन आर सी बिकॉज एट द टाइम ऑफ चार्जिंग यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे आर एंड सी आया है सो वन पॉइंट वन आर सी तो यहाँ पे देखो तो जो हम लोगों ने डायग्राम में ड्रॉ किया था वेवफॉर्म में ड्रॉ किया था तो दिस इज नथिंग बट द इसको हम लोग डिनोट करेंगे विड से तो जो विट है इन केस ऑफ अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वो कितनी आई है तो 1.1 पॉइंट क्योंकि चार्जिंग जब हो रही है कैपेसिटर की तब आप लोगों का चार्जिंग किसके थ्रू हो रही है तो रेजिस्टेंस के थ्रू हो रही है तो चार्जिंग करते समय कौन से दो तो पैरामीटर आप लोगों के पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस केस इन केस ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दो रेजिस्टेंस थे जिसको हम लोगों ने डिनोट किया था आर ए और आर बी से बट यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ एक ही रेजिस्टर है तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा है एंड इज इज अ टाइम इन फ्रंट ऑफ दिस दैट तो यहाँ पे पल्स विट की वैल्यू क्या आई है इन केस ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वन पॉइंट वन आरसी और इसके ऊपर ही हमें कुछ न्यूब्रिकल सॉल्व करने हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूम्रिकल लेने वाले हैं ऑन द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होप्स यू गाइज़ आर क्लियर विद द वर्किंग ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एनी डाउट यू कैन कमेंट मी बिलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक